नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। नए साल की खुशी मनाने के चलते जान गंवानी पड़ी। जहां लोग 2017 को अलविदा करने के लिए जश्न की तैयारी कर रहे हैं, वहीं कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान देकर 2017 को अलविदा कह दिया। ऐसा ही एक मामला गुरदासपुर जिले के बटाला शहर में देखने को मिला, जहां नए साल के जश्न में डूबे 3 नौजवानों की मौत हो गई और 2 गंभीर जख्मी रूप से घायल हो गए। गंभीर जख्मी रूप से घायल को अमृतसर रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक नौजवान की लाश गाड़ी में इतने बुरे तरीके से फंसी हुई थी कि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को लाश निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। गांव संग्रावा के रहने वाले 3 नौजवान, जो आपस की रिश्तेदारी में भाई लगते हैं, नए साल का जश्न मनाते हुए बटाला की ओर से आ रहे थे। उनकी अल्टो गाड़ी PB02BF9111 आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से जा टकराई और इस दुर्घटना में गाड़ी के चालक मनप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके भाई गुरप्रीत सिंह, जो विदेश से लौटे थे, और जुगराज सिंह गंभीर जख्मी हो गए, जिन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया। वहीं गाड़ी में फंसी मनप्रीत सिंह की लाश को निकालने के लिए मौके पर पहुंचे बटाला पुलिस के अधिकारी अशोक कुमार को गाड़ी से डेड बॉडी निकालने के लिए पुलिस कर्मचारियों और लोगों की मदद से भारी मशक्कत करनी पड़ी। गाड़ी को हथौड़े से तोड़ा गया, जबकि सिविल अस्पताल बटाला पहुंचाया गया। मृतक के परिवार वालों का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि वो नए साल के जश्न में कुछ खा पी कर आ रहे हो, जिसके चलते यह हादसा हुआ हो। गुरदासपुर से चैनल इंडिया लाइव के लिए जतिंदर कुंदल की स्पेशल रिपोर्ट।